नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तानी टीम इन दो युवाओं को मिल सकती है जगह। क्या है खबर इस वीडियो में आपसी को हम बताएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं की प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन और जहानदार खान को नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से क्रिकेट पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हाल ही में संपन्न चैंपियंस वनडे कप के दौरान दोनों गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में होने वाली तीन मैच की एकादिवसीय और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल होने का प्रबल दावेदार है। तेज गेंदबाज हसनैन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चैंपियंस वनडे कप में 17 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लिए। जहानदाद खान ने 12 विकेट लिए। जहानदाद खान टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। हसनैन का कौशल ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वजह है कि वह शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हरीश राव के साथ पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण में शामिल होने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। 24 साल के मोहम्मद हसनैन ने अब तक 36 अंतर्राष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उनका करियर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। इसमें एक बार ऑस्ट्रेलिया में अवैध गेंदबाजी एक्शन के कारण मिला झटका भी शामिल है। सुधारात्मक कार्य से गुजरने और चोटों पर काबू पाने के बाद युवा तेज गेंदबाज उन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार दिखाई देते हैं जहाँ उनकी गेंदबाजी एक्शन पर पहली बार सवाल उठाए गए थे। इस बीच घरेलू सर्किट में धूम मचाने वाले जहानदाद खान तेज गेंदबाजी आक्रमण में गहराई और विविधता ला सकते हैं। आकिब जावेद द्वारा नवनियुक्त चयन समिति का बागडोर संभालने के साथ पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का संयोजन के लिए एक नए दृष्टिकोण की उम्मीद है। पाकिस्तान का दौरा 4 नवंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। 4 नवंबर को 2024 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में होगा।